इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और फोर्थ वाला अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड जो है 4x² + 4√3x + 3 = 0, यानी कि इसका हमें मूल ज्ञात करना होगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती सूत्र का अगर प्रयोग करना है तो हमें ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सूत्र होता है वो x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो इसलिए हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे तो हमको ए का जो मान मिलेगा वो यहाँ पर x² का गुणांक 4 हो गया, और बी जो है एक्स का गुणांक यहाँ पर बी का मान है 4√3 और सी का मान मिलेगा 3। अब सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो जो सूत्र है x = -b + -√b² - 4ac/2a, यानी x = -b, यानी b का जो मान है -4√3 और +√b² यानी b का मान है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर -4 × a = 4 और √c = 3 √2 × a = 4। तो x = a हो जाएगा -4√3 और +√, ये 4√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा 4√3 × 4√3, यानी 4 × 16 और √3 से 3 बड़ा होगा, यानी 16 × 3, तो ये आएगा 48। तो यहाँ पर ये हो गया 48 − 4 × 16 = 48 / 2 × 8। ये आएगा -4√3 तो ऐसे रहेगा, और +√0/, क्योंकि 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 बचेगा और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये आएगा -√3/2, यहाँ से 4 × 8 कट जाएगा, इसलिए अतः इसका जो मूल मिलेगा वो हमको यही दो बार मिलेगा, दोनों मूल सेम से मिलेंगे √3/2। तो चाहो तो एक बार और लिख सकते हैं -√3/2।